लिखा है ए एंड बी, तो ए एंड बी यानी कि ए और बी, तो ये साइड का भी एक मेजरमेंट होता है ना, जो हम एस पार्ट को जो ये कटोरी लगा कर रखता है इसको इसी तरह, ठीक है, तो उसका भी एक मेजरमेंट होता है ए बी। तो अब देखिए ए बी का मेजरमेंट हमने एक बनाया है, तो 32 साइज है आपका कंप्लीट मेजर, ये आपको दिखेगा कंप्लीट, ठीक है, और आपका पैटर्न मैप अगर हो तो 1 इंच ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात आप गलती ना करें, जो 32 साइज का कंप्लीट मेजरमेंट है 8 और पैटर्न मेजरमेंट 1 इंच, ठीक है, यानी कि 9 इंच आपको, अगर आपका पैटर्न हो तो इसमें 9 दिखेगा और सीम स्टिच करने के बाद आपको 8 हो जाएगा। और 34 साइज में ये होता है 8.5 होता है 9, और 36 साइज में 9.5 होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है जेड एंड वाई। तो फ्रेंड मेरा जेड यहाँ पर कहा है जेड एंड वाई, ठीक है, ये देखिए जो हम लोग जो ये इस तरह मूव करते हैं, ये देखिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, और ये देखिए प्रैक्टिकल करके ये मेजरमेंट हमने अभी बोला, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा वॉल्यूम दिखाता है, तो इसका भी एक मेजरमेंट है। अगर आपका 32 से 62 अगर ज़्यादा हो तो ये बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने उसमें दे चुका हूँ जो 32 में ऐसा होता है इसका माप, 34 में ऐसा होता है, 36 में ऐसा होता है। अगर आपका ब्लाउज 32 में हो तो ये 62 का 34 में है, तो आप 34 का ये 8.5 लेना, ठीक है। अगर आपका 32 साइज अगर बॉडी हो ब्लाउज का, तो आप अगर बास्ट आपका 36 हो तो ये आप 9 इंच से लेना, ठीक है। तो इसी तरह वेरिएशन होता है, तो मेरा फार्मूला का मतलब यही है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया मेरा बंगाली लैंग्वेज को, तो हिंदी में बोल रहा हूँ, तो लगता है आप लोग समझ चुका है अभी। तो थ्री का मतलब है जो जेड वाई होता है ना, 32 साइज में आप 7.5 कर सकते हैं एंड 8 एंड 8.5 कर सकते हैं, ये कंप्लीट माप है फ्रेंड। अगर सीम्स लेंगे इसके 1 इंच तो ये 8.5 दिखेगा पैटर्न में, ठीक है, और 8 एंड प्लस 1 9 दिखेगा और ये 9.5 दिखेगा, ठीक है। तो 34 में ही ऐसा वेरिएशन होता है। तो ये है सिंगल कटोरी का फार्मूला है फ्रेंड, और हम एक बार फिर से कैमरा को दिखा रहेंगे, आप ढंग से लिख सके इसे और स्क्रीन शूट करें, तो उसके बाद हम दिखाएंगे जो सिंगल कटोरी हम कैसे ये फार्मूला को इस्तेमाल कर हम कैसे उसका पैटर्न करते हैं, कैसे लेआउट बनाते हैं और कैसे हम स्टिच करते हैं, बाद में हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो आप पहले ये जो फार्मूला हमने तीनों बनाया है तीनों पेज का, आप एक एक करके आप लिख लीजिए। आप लिखने के लिए आपको कैमरे को फ्रेंड होल्ड करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ने मेरे को बोला जी कैसे लिखे, तो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। कैमरा को पहले आपको जो इंटरनेट पे एक बार जो वीडियो देख रहे हैं आप वो बार बार चलाने से इजी हो जाता है, इसके लिए उसे क्या होता है आप लोगों को कैमरा इंटरनेट जो यूट्यूब वीडियो है ना उसको होल्ड कीजिए लिखिए आवाज़ चलाइए और उसके बाद होल्ड कीजिए चलाइए, तो इसी तरह आप लिखते रह जाएगा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा आपका और आपका फाइनल आपका खाता में दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप पहले ये लिखे और बाद में ये आपका साथ में ले, और मैं जो पैटर्न कर रहा हूँ इसे पढ़िए और दिखिए, तो और बाकी तो बात जो जो आप लोगों को चाहिए नॉलेज चाहिए मैं तो दे रहा हूँ आप लोगों को, तो कोई बात नहीं है फ्रेंड। मैं जो भी वीडियो बंगाली में है मेरा तो सभी हिंदी में अभी से चला जाएगा, तो हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमें जो इंग्लिश से वीडियो करें, तो फ्रेंड आप डायग्राम से देखकर सीख सकते हैं, इसमें आसानी होगा आप लोगों को सीखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। मैं जिस तरीके से डायग्राम में भी एक डिटेलिंग मैंने रखा है वहाँ पर, ठीक है, तो देखते रहिए। हम कैमरा को दिखा रहे हैं आप इसी तरह जैसे आप लिख सकें।